भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोवार का कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है, तब तब समाज ही कटघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है। आइए हम सब मिलकर महिला सशक्तिकरण को सही मायने में दिशा दिखाए, जो कि हमारे कॉलेज की छात्राएं द्वारा प्रस्तुत की गई है। हजारों की संख्या में डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता की देश में जहां पॉलिटिशियन सोचती तो है पर करती कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता की देश में जहां हर परिवार में कम से कम एक ऐसा तो इंसान होता है जो औरतों को बोलता है अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज कर ले।
मेरा गांव खुदी पर आ गया, मैं फेमस हो गया। क्या बता सकती है घटना कैसे घटित हुआ? मेरी बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे देश में ऐसे ऐसे गड्ढे बहुत सारे, और हाँ, हर एक गड्ढे का हिसाब सरकार को देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख देने का ऐलान किया। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने सोचा है क्या इतने पैसों के करेंगे? क्या खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे? अरे खेती बाड़ी होगा तभी तो बच्ची का भविष्य बनेगा। और उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, घर का काम कर सीखेगी और चली जाएगी अपनी ससुराल। हमारे देश में ऐसी कितनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जाती हैं। सरकार के तरफ से 5वीं कक्षा तक शिक्षा होने के बावजूद भी 40,000 बच्चियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। अरे भाई, मैंने इस देश के महिलाओं का हमेशा भला ही सोचा है।
अगर आपको इस सिस्टम से इतना ही प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए और बदल दीजिए इस सिस्टम को। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। अरे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जैसा गटर में मत पड़ना। यहाँ लोग आते हैं सिस्टम में सिस्टम बदलने और सिस्टम ही उन्हें बदल देता है। हमारे देश में हर साल हजारों से भी ज्यादा बलात्कार होते हैं, फिर भी ना जाने कितने केस दर्ज तक नहीं होते घर की बदनामी और घर समाज के डर से, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमारे देश में सबको यही सिखाया जाता है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो।